सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। जिनको भी SC ST और OBC में रिजर्वेशन मिल रहा है उनको छोड़कर बाकी सभी धर्म जातियां उनके ऊपर आधारित आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को बाकी सभी जातियां छोड़ दी जाए, SC ST और OBC को उनके अंदर 10% आरक्षण मिलेगा आर्थिक वर्ग से पिछड़े लोगों को। यानी साफ तौर पर आप समझ लीजिए कि ये रिजर्वेशन पहले से मिल रहे रिजर्वेशन के अलावा होगा, यानी उनके अलावा होगा। पुराने रिजर्वेशन का जो भी फॉर्मेट है उसे छेड़ा नहीं जाएगा। यानी जो बड़ा फैसला लिया है इसका असर कहाँ पड़ेगा, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ओबीसी SC ST के अलावा जो भी जातियां हैं उनको इस आरक्षण का फायदा मिलेगा, बशर्ते वो आर्थिक रूप से पिछड़ी हो। यानी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबको इसका फायदा मिलेगा जो ओबीसी SC ST के अलावा। और जो मौजूदा तय सीमा है इसको आप समझ लीजिए कि ओबीसी को फिलहाल 27% आरक्षण मिलता है, एससी को फिलहाल 15% आरक्षण मिलता है, एसटी को फिलहाल 7.5% आरक्षण मिलता है। यानी अगर इन तीनों को मिला लिया जाए तो 49.5%। 1962 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरक्षण की सीमा है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी 49.5% से अगर ज्यादा आपको जाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब सरकार कल संसद में पेश कर सकती है बिल, इस बात को लेकर भी खबर है। जो जानकारी अभी मिल रही कि कल इस बाबत एक बिल लाया जा सकता है, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, लेकिन इस बीच हम बातचीत करेंगे कि ये कितना बड़ा फैसला और साथ ही कितना किस तरीके से ये गेम चेंजर साबित होगा 2019 चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि ये एक जाति तक सीमित आरक्षण नहीं है, शुद्ध तौर पर आर्थिक आधार पर जो पिछड़े रहेंगे उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। बीजेपी नेता उदित राज ने आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो सरकार के इस कदम का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उदित जी, बड़ा फैसला है सरकार का चुनाव से ठीक पहले लुभाने के लिए सवर्णों को। देखिए, ऐसा है कि लुभाने की बात नहीं है, बहुत दिनों से उनकी मांग उठती आ रही है कि जो सवर्ण गरीब है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आज कैबिनेट ने फैसला ले लिया, दे दिया, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर के 60% कर दिया जाएगा और होना भी चाहिए। इंदिरा सहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत सीलिंग लगाई थी, वो टूटी, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो संसद का अधिकार है कि कितना प्रतिशत तक दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, एक कानून बनाने का, संविधान में कोई सीमा नहीं है। ये जो 50 से 60% अब जो किया गया है तो इससे दूसरी कम्युनिटी भी दावा करेंगी कि उनका भी आगे बढ़ाया जाए, तो एक बड़ी जद्दोजहद को भी अकोमोडेट किया जाए, उसके कुल मिलाकर के 100% कर दो, जिसकी जितनी आबादी है दे दो, झगड़ा खत्म हो जाए। उधर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने इंडिया न्यूज से बातचीत में सरकार के इस फैसले को सिर्फ एक चुनावी जुमला बताया। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और साथ ही साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी। ओपी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज केंद्र सरकार में जो सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की बात कही गई है उसे अप्रूव कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? ऐसा कुछ नहीं है, ये चुनावी जुमला है। SC ST एक्ट से नाराज सवर्ण को खुश करने के लिए ये कहा जा रहा है। 50% आरक्षण तो खुदा सवर्ण को मिल रहा है, तो 10 कहां दे रहे हैं? नहीं, ये वीकर सेक्शन के लिए, जो उसमें भी बहुत ही ज्यादा, जो कि जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको ये आरक्षण देने की बात नहीं। तो ये पिछड़ी जाति में वीकर सेक्शन क्यों नहीं देखते हैं? दिखाई नहीं दे रहा है इस बात को? 21 महीने से हम कह रहे हैं इसमें वीकर सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। उसी के लिए आज आप इसी नाते हम ड्रामा करने जो करते हैं ना, बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं, इनके ड्रामा को हम समझते हैं। ये आरक्षण देंगे नहीं 10% जो कमजोर लोग हैं, ये खाली बोल रहे हैं, ये बोल बोल के खाली वोट ले। तो आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने का यह फैसला बड़ा फैसला सरकार का, और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। कांग्रेस नेता KTS तुलसी ने सरकार के इस फैसले को चुनावों से पहले एक पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। हमारे साथ सांसद KTS तुलसी साहब हैं। तुलसी साहब, केंद्र सरकार ने स्वर्ण को 10% आरक्षण देने का ये जो फैसला किया है, किस तरह देखते हैं? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे लोगों को भी मालूम है कि ये ना तो रिजर्वेशन होगी, ना संसद में पास होगी, ना अदालत के से अप्रूव होगी। 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, ना होगा, ये कहेंगे कि हमने तो किया, अदालत ने रद्द कर दिया। अच्छा,
जो सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर सरकार जल्दी जो है संविधान संशोधन विधेयक लेकर संसद में, वो आम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते पास, तो संवैधानिक संशोधन कैसे करेंगे? ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस नेता चाहे कुछ भी कहें, बीजेपी नेता कलराज मिश्रा ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए मोदी सरकार के इस फैसले को सही समय पर सही कदम करार दिया। कलराज जी, बड़ा फैसला है मोदी सरकार का कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े जो सवर्ण हैं उनको 10% रिजर्वेशन का फैसला किया है। फैसला बड़ा उपयुक्त है और जिस बात को लेकर सवर्णों के मन के अंदर के रोष रहा करता था कि हमारे यहाँ भी लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण प्राप्त होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये फैसला बड़ा उपयुक्त हुआ है और उपयुक्त समय में हुआ है। चुनाव के समय में चुनाव के समय इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन कलराज जी, चुनाव के समय ये फैसला हुआ, क्या लगता है जो 50% की जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, अब 10% और हो जाएगा, ये पारित हो पाएगा? देखिए, पूरा साल भर तो हमेशा पूरा चुनाव ही चुनाव रहता है, कोई ना कोई समय तो ऐसा रहना पड़ेगा कि जहाँ इस लेना पड़ेगा। अब वो गाइडलाइन आप सब देखिए कैसे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें जो हुई है सारा विचार करने के पश्चात ही हुई है। अमर सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर इंडिया न्यूज से बात की। अमर सिंह के आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात कही। सांसद अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह जी, केंद्रीय कैबिनेट ने स्वर्ण जातियों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए 10% का आरक्षण का फैसला किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कर्म के आधार पर पिछड़े समाज ने स्वर्णों के प्रति बहुत अन्याय किया है, इसमें भी एक सावधानी बरती गई है कि आर्थिक आधार पर जो पिछड़े सवर्ण है, मैं तो कहता हूं एक संशोधन और होना चाहिए। आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हों उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब पासवान जी के परिवार को, लालू जी के परिवार को, मुलायम सिंह के परिवार को, बाबू जगजीवन राम के परिवार को अब किस आरक्षण की जरूरत है? लड़का मुख्यमंत्री हो गया, परिवार का हर व्यक्ति बस से भीखती है, लड़की बाद में ढूंढी जाती है, पद पहले मिल जाता है। विपक्ष कह रही है कि ये जो है सियासी मुद्दा है, विपक्ष को कहने दीजिए, ये पिछड़ों का आरक्षण क्या सियासी मुद्दा नहीं है? SC ST एक्ट के अंदर अदालत के फैसले के बाद भी छेड़छाड़ क्या सियासी मुद्दा नहीं है? अगर पिछड़े सियासत का हिस्सा है, अगर SC ST सियासत का हिस्सा है, तो क्या हमारे समाज का सवर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो भी गरीब जो जर्जर है, जीर्ण शील हालत में, वो सियासत का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या भारत के मतदाता यही लोग अहम नहीं है? कांग्रेस सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय जी, जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि स्वर्ण जातियों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, किस तरह? ऐसा है कि देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक्सपोज हो चुकी है। ये जो भी कुछ कह के आए हैं 14 सप्ताह में, वो कुछ भी नहीं कर सके। यहां तक कि रामलला इनका सबसे बड़ा माइलस्टोन था, रामलला आज तक त्रिपाल में है और ये चर्चा आप कर रहे हैं मंदिर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी जब 2 महीना चुनाव के रह गए, आज ये 10% दें या 100% दें, जनता इनके सब हथकंडों को जानती है और इसका कोई फायदा इनको होने वाला नहीं। आप कह रहे हैं कि चुनावी हथकंडा है? केवल चुनावी हथकंडा है और ये सिर्फ जब 4 साल पहले जो एश्योर किया उसको नहीं पूरा कर पाए तो 2 महीने में क्या कर पाएंगे? सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बहुत मैं उनको बधाई देता हूं। आने की बात जानते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण होने के संवैधानिक संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, कैसे हो जाएगा संविधान में संशोधन? कल ही आएगा राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आने दो यार, कुछ अभी है उसे तो कर नहीं पा रहे। आप आने तो दीजिए, जरा सा देख तो ले क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तभी तो उसको जवाब दे। भाई आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि 50 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो ले कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं।
मुझे लगता है एक बहुत ही अहम फैसला हमारी आज की एनडीए सरकार के द्वारा लिया गया, जिसका लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से स्वागत करती है। एक लंबे समय से हम लोग भी इसकी मांग करते आए हैं कि जो अगड़ी जाति, जो स्वर्ण वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। गरीबी की सिर्फ एक ही जाति होती है, उनकी एक समान समस्याएं होती हैं, उनकी एक समान उनकी दिक्कतें होती हैं, और उसका समाधान जरूर निकाला जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक लंबे समय से, बहरहाल हम लोग की मांग थी कि 15% आरक्षण इनको दिया जाए, पर 10% का जो फैसला, 10% आरक्षण स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनको देने का जो फैसला हमारी आज की एनडीए सरकार ने लिया है, इसका हम लोग पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। तो प्रतिक्रियाएं जो लगातार आ रही है वो आपने सुनी, और इस वक्त हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, मोदी के बारे में कहा जाता है कि जहां लोग सोचना खत्म कर देते हैं वहां से उनकी राजनीति शुरू होती है, और इसी मद्देनजर देखा जाए ये बड़ा फैसला, कोई इस बड़े फैसले को लेकर या आरक्षण की सीमा इस तरीके से बढ़ेगी, सरकार इस तरीके से फैसला लेगी, कोई इस बारे में नहीं सोच रहा था। बिल्कुल, इस बारे में फिलहाल अपोजिशन की तरफ से सोचा भी नहीं गया होगा, जब एक मास्टर स्ट्रोक की तरह ये मोदी सरकार की तरफ से ये पूरा खेल खेला गया, एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है। हालांकि पिछले दो सेशन से इस तरह की खबरें जरूर आ रही थी कि सरकार इस तरह का फैसला ले सकती है, इस तरह का निर्णय, जो रिजर्वेशन देने का, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं उनको इस तरह का फैसला लिया जा सकता है, लेकिन पुष्टि कहीं से नहीं हो पा रही थी। लेकिन सुगबगाहट जरूर चल रही थी, लेकिन अपोजिशन को लगता था कि शायद ये बिल नहीं आएगा, लेकिन आज कैबिनेट में मंजूरी देकर सबको चौंकाने का काम अब मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उसने किया है। क्योंकि लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि जो बिल का प्रारूप है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े होंगे, वो पिछड़े कोई भी हो सकते हैं, वो सवर्ण भी हो सकते हैं, वो दूसरे धर्म के या दूसरी जातियों के लोग भी हो सकते हैं, जिनको बस इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जिनको पहले आरक्षण ना मिल रहा हो, चाहे वो एससी एसटी में हो या ओबीसी में हो, इसके अलावा जिनको पहले से इसमें मिल रहा है उसके अलावा जो रह जाते हैं। यतेंद्र माने, जो अभी तक आरक्षण मिल रहा था, यतेंद्र अभी तक जो आरक्षण मिल रहा था ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों के अलावा जितनी बाकी जातियां हैं उन सभी को इसका फायदा मिलेगा, वो सभी इस दायरे में आएंगे? देखिए बिल्कुल, जितनी भी इसके अलावा एससी एसटी और ओबीसी के अलावा जितनी भी जातियां हैं या जो भी धर्म है उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इसमें केवल केवल एक एजेंडा लागू किया गया है, जो पिछड़े तौर, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, जिनकी आय सालाना 8 लाख से कम हो या जिनके पास 5 एकड़ से जमीन कम हो, ऐसे लोगों को इस बात का फायदा मिलेगा। इसमें किसी भी धर्म और जाति को लेकर भेदभाव नहीं किया। और जहां तक जो पहले का 50% 49% से जो ऊपर ज्यादा जो रिजर्वेशन दिया गया था उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कि जो पहले का रिजर्वेशन है वो बदस्तूर जारी रहेगा, बिना किसी छेड़छाड़ के जारी रहेगा। इसके अलावा 10% आएगा, उसमें 10% के लिए कल सरकार संशोधन बिल लेकर आएगी, संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में। थावरचंद गहलोत, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, थावरचंद गहलोत तो इस बिल को पेश करेंगे, और धारा 15 में चेंज किया जाएगा, जो एजुकेशन में रिजर्वेशन देगी उसमें बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही धारा 16 जो आर्टिकल 16 है उसमें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, इस 10% जो रिजर्वेशन जो दिया जाएगा उसमें यह शामिल रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती ना हो, इस वजह से पार्लियामेंट, जो मोदी सरकार है वो यही कोशिश करेगी कि संविधान। यतेंद्र, एक बात और लगे हाथ समझा दीजिए, उसके बाद जो दूसरे हमारे सहयोगी और मेहमान जुड़े हैं उनका हम रुख करेंगे। एक बात और लगे हाथ समझा दीजिए, जो आर्थिक आधार जो तय किया जा रहा है इसका क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, आर्थिक आधार का क्राइटेरिया राकेश पांडे बता दूं, ऐसे वो लोग, पहला क्राइटेरिया यही रहेगा कि ऐसे वो लोग जिनको पहले किसी भी श्रेणी में आरक्षण ना मिल रहा हो, चाहे वो एससी एसटी हो या ओबीसी, जिनको इस श्रेणी में मिल रहा है उनको इसमें नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए होगी या उससे कम होगी, उनको इसमें फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अगर सालाना इनकम के अलावा छोड़ दें तो 5 एकड़ जमीन या उससे कम जमीन वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अगर इससे ज्यादा जमीन होगी तो ऐसे लोगों को इस रिजर्वेशन का, यानी यतेंद्र यहां से तो एक और बड़ी खबर ये निकल कर आती है कि सरकार नए सिरे से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की परिभाषा तय करने जा रही है, जिनकी भी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख तक अगर है, 8 लाख तक या फिर उससे नीचे है तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे।
देखिए बिल्कुल राकेश पांडे, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सरकार का यही जो उद्देश्य है, हालांकि इसे चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है क्योंकि चुनावों में कम समय नहीं है, तो तुरुपका पत्ता या तुरुपका इक्का भी इसे कह सकते हैं जो सरकार ने अपने तर्कस से निकाला है। विधानसभा चुनाव अपने आप में थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि 66,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेट बैठता है अगर 8 लाख वाली कैटेगरी को हम समझें, तो क्यों ना इसे मान लिया जाए। इसकी टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं एक इलेक्शन गिमिक नजर आ रहा है। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि ये विधानसभा चुनावों से जोड़कर इसे देखा जा सकता है क्योंकि जो विधानसभा चुनाव अभी हाल में हुए हैं उसमें बीजेपी की जो करारी हार हुई है और जो सत्ता से हाथ धोना पड़ा है, तो उसका एक बड़ा रीजन यही माना जा रहा था कि एससी एसटी एक्ट के बाद जो बीजेपी का वो कोर कैडर था वो नाराज था और वो ज्यादातर सवर्ण वोट बैंक माना जाता है, तो ऐसे में उसकी नाराजगी दूर हो उसको लेकर बीजेपी ये प्लान सामने लेकर आई है और चुनाव से ठीक पहले, जिससे वो उसका सियासी तौर पर उठा सके। जी चलिए, यतेंद्र हमारे साथ जुड़े रहेंगे और साथ ही वर्णित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोपाल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी स्पोर्ट्स पर्सन इकोनॉमिक अफेयर्स से जुड़े हुए, और साथ ही बीडी नकवी साहब बीएसपी सपोर्टर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बड़ी खबर आरक्षण को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा यानी जो गरीब है उनको यह आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी एससी और एसटी के अलावा जो भी लोग हैं उन